सो गाइस बनाना शुरू करते हैं। ये है मिक्सी, ये है जार और ये है पालक। इसको हमने उबाल लिया है गाइस पहले। इसमें टमाटर और पालक को उबाल लिया है, अब इसको मिक्सी में चलाएंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। ठंडा ठंडा मौसम है गाइस, हवा चल रही है आज ठंडी ठंडी। गाइस रात में ओस गिरने लगती है, मौसम ठंडा है इसलिए, तो हम तुलसी पर कवर डाल देते हैं गाइस, जो दिख रहा है हरा हरा। अब सुबह हो गई है इसलिए हम उस कवर को हटा देते हैं गाइस। सो गाइस यही कवर है, इसको हम हटा देते हैं गाइस। गाइस हम जाल पर भी कवर डाल देते हैं जिससे ठंड नीचे ना पहुंचे, इसलिए जाल के कवर को भी हटा देते हैं। तो गाइस ठंड ज़्यादा होने की वजह से हमने स्वेटर पहन लिया है। अब गाइस हम पालक का सूप बनाएंगे, तो चलिए गाइस सूप बनाते हैं। सो गाइस बनाना शुरू करते हैं। ये है मिक्सी, ये है जार और ये है पालक। इसको हमने उबाल लिया है गाइस पहले। इसमें टमाटर और पालक को उबाल लिया है, अब इसको मिक्सी में चलाएंगे, उसके बाद सूप बनकर रेडी हो जाएगा। गाइस हमने जार में भर लिया है, अब इसको चलाते हैं। सो गाइस अब ये पिसकर रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए हम सेंधा नमक डाल देंगे गाइस, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, भुना जीरा, एंड इसको मिला देते हैं, फिर इसको सर्व करते हैं गिलासों में। सो गाइस हमने गिलास में सर्व कर लिया है इसको, अब पी के चेक करते हैं। गाइस बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, मज़ा आ गया। गाइस ये थोड़ा गाढ़ा बना हुआ है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी डाल लीजिए जिससे इसका थिकनेस कम हो जाएगा, गाढ़ापन इसका कम हो जाएगा। वैसे टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है गाइस, ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, जिसमें आँखों के लिए सबसे ज़्यादा। सो गाइस आप देख सकते हैं दो कबूतरों के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है, बहुत देर से लड़ रहे हैं गाइस ये। सो गाइस अब नहाकर हम रेडी हो गए हैं, तो अब मंदिर चलते हैं। आज मंगलवार है तो हनुमान जी पर चोला चढ़ाना है, तो चलते हैं गाइस मंदिर। तो गाइस पहले नंबर पर हम प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद मंदिर चलते हैं। तो गाइस हमने प्रसाद और चोला ले लिया है, अब मंदिर भी आ गया है गाइस। गाइस हम मंदिर से पूजा करके अब घर आ गए हैं। गाइस अब ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में आज है हमारे पास स्प्राउट्स। गाइस इसमें हमने छुहारा डाला है, बादाम, मूंगफली और चने, चने की दाल, मूंग की दाल, मेथी, इसमें मतलब सब कुछ मिक्स करा है गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है गाइस हेल्थ के लिए, सर्दियों में तो ज़रूर खाना चाहिए, हर आदमी को खाना चाहिए गाइस। गाइस अब इसको खा के देखते हैं कैसा लगता है। गाइस काफ़ी अच्छा है, टेस्ट जैसा भी हो लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा है, इसलिए सब चलता है गाइस। गाइस भैया भी खा रहे हैं, उनसे थोड़ी राय ले लेते हैं कैसा है। गाइस स्प्राउट्स का जो ब्रेकफास्ट है
ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तरह के विटामिन प्रोटीन्स रहते हैं और डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं, तो अपन को लेना चाहिए। दूसरी बात, इसको टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा नींबू डाल करके खा सकते हैं, इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, तो इसको खाइए आप, बहुत ही हेल्दी है। गाइस, तो अब हम पेड़ों को पानी दे देते हैं। गाइस, ये तो गाइस भैया जी अभी पढ़ रहे हैं। भैया कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए गाइस, अभी मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, ये NCERT समरी बाय डॉक्टर मनीष रंजन, बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें काफ़ी शॉर्ट में सारी की सारी जीके दी हुई है। गाइस क्योंकि शाम हो चुकी है तो गाइस ब्लॉग को अब यहीं पर हम एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।